ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन द्वारा बजट में सोने के गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी वापस ना लेने के विरोध में जलंधर यूनिट द्वारा भी अपनी दुकानों को सोमवार तक बंद कर दिया गया है। आज जलंधर का पूरा सराफा बाजार और ज्वेलर बाजार बंद करके रोष प्रदर्शन किया गया और अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला भी फूंका गया। जलंधर के सराफा एसोसिएशन के प्रधान नरेश मल्होत्रा के अनुसार इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, पर इसके साथ ही उन्हें अब इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए परेशान किया जा रहा है कि जी ऑल इंडिया लेवल से इन्होंने सू ज्वेली से जी अपना 1% एक्साइज ड्यूटी लगाई है। ये काला कानून अगे भी होया 1991-92 गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया भी, और यह गोल्ड कंट्रोल एक्ट जो लागू है, ये गोल्ड कंट्रोल ही है। ये व्यापारियों ने नसेसरी तंग किया जाएगा, गवर्नमेंट को रेवन्यू कोई 1% देने तैयार है, पर जो कस्टम सेंटर चाहिए सू डिपार्टमेंट मलो मल्ली 15-20 साल बाद फिर ठोकर लगे ना, ये सू मंजूर नहीं। इन्हों की शर्तें लिखी हैं जी, इन्हों कैद होगी, दुकाना सील होनगियाँ, फलाना होएगा, सोना साफ कराने से सरकारी एजेंसी तो कराओ, इतने सरकारी एजेंसी कोई नहीं हैगी, ना ही कोई तरह सिस्टम हैगा। इस करके जी हड़ताल है, इस करके ऑल इंडिया चल रही है कि ये कानून काला वापस करना, जिन्नी देर वापस नहीं होंगे साडा अंदोलन लगातार चलेगा और कोई पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो यह संघर्ष जारी रहेगा।